अभी जो शाहरुख खान को लेकर एक मूवी चल रही है बाइकॉट बोल के, उसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जो हिंदू खिलाफ में हिंदू का जो उनका ये है उसके खिलाफ में जो भी फिल्म एक्टर रहने दो, कोई भी रहने दो, उसके खिलाफ हम उसको बहिष्कार करेंगे पूरे। हमने हिंदुओं को ये हमने आग्रह करते हैं इस फिल्म को बायकॉट करो। ऐसा हिंदू विरोधी जो फिल्म आते हैं उसका बायकॉट करने से, वो अभी अभी दिवाली हो गया, वो आमिर खान दिवाली हो गया, अभी ये भी शाहरुख को भी हो जाएगा, सलमान भी होगा, सभी हो, जो हिंदू खिलाफ में जो भी फिल्म रहते उसको बायकॉट करेंगे। सर मुस्लिम है बोलते टारगेट कर रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम है तो दीपिका को पड़कोनी कौन है? दीपिका पड़कोनी हिंदू है ना, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते क्या? पैसा आते करके कुछ भी हिंदू खिलाफ में वो कर रहे हैं ना, उसके बारे में हम शाहरुख खान का उतना ही नहीं बोल रहे, दीपिका पड़कोन का वो दर्शन के बारे में बोले, जो जो वो हिंदू मुस्लिम उसमें नहीं आते। किसी कौम का अपमान मत करना, वो इस्लाम का भी मत करना, हिंदुओं का मत करना, क्रिश्चियन का भी मत करना। हिंदुओं का करने का क्या, इधर हिंदू लोग हैं क्या, ये क्या समझे? हमारा जो हिंदुओं का तो ताकत है, हम हर एक ऐसा हिंदू विरोधी हीरो हीरोइन को हमने सबक सिखाएंगे। नहीं, आज हमने 13 महीने के पीछे हमने इधर कलबुर्गी में जो चिंचोली का शुगर फैक्ट्री था उसमें वो ई टेंडर में हमने उसको खरीद कर ले आता, अभी पूरा वो रेडी सिर्फ 13 महीने में हमने किया है। एक पूरे देश में एक रिकॉर्ड है 13 महीने में एक शुगर फैक्ट्री, 15 वर्ष से जो ऐसा ही पड़ा था वो उसको फैक्ट्री को हम चालू कर रहे हैं। 5,000 टन डेली क्रशिंग गन्ना का क्रशिंग हो जाएगा, 4.5 लाख लीटर इथेनॉल उधर उत्पादन हो जाएगा, 30 मेगावाट कोजन करंट उधर उत्पादन हो जाएगा। January 18 से हमने वो फैक्ट्री का ट्रायल सीजन प्रारंभ कर रहे, इसलिए पूरे कलबुर्गी बिदर और यादगिर का जो किसान है किसानों को जानकारी देने के लिए आज इधर कलबुर्गी में हमने प्रेस किया है।